जय गो माता की। साथियों, 31 वर्षीय गो पर्यावरण चेतना पद यात्रा का एक विभाग साध्वी शबला गोपाल सरस्वती दीदी जी के नेतृत्व में सकाशी गोपाल जी के सानिध्य में ये पद यात्रा कल दिनांक 24 से मार्च 2021 को प्रारंभ हुई। इस पद यात्रा का ये आज 25 तारीख को दूसरा पड़ाव। साध्वी दीदी से जी, कैसा लग रहा है इस पद यात्रा को प्रारंभ करने के बाद आपका ये दूसरा दिन? अच्छा अनुभव है, आनंद की अनुभूति हो रही है। बस गुरुदेव भगवान की याद आती है, उनसे जुड़े हुए जो भी विषय है वो स्मृति में आने के बाद कुछ बस, बाकी तो आनंद है। आज यात्रा सांगरिया गांव में पहुंची है, अच्छा प्रतिसाद लोगों का मिल रहा है। और कोरोना काल के वहाँ विश्रांति के पश्चात भी लोग इस प्रकार के धार्मिक और कुछ अच्छी चर्चा सुनने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं। बाकी यात्रा अच्छे सकुशलता से चल रही है, आगे भी आनंद आएगा। दीदी जी, आपने गुरुदेव के इस बहुत महत्वपूर्ण कार्य को अपने हाथ में लिया है, ठीक है? क्या 24 साल का ये जो कठोर संकल्प आपने लिया, इसके पीछे एक मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह बस एक ही है, गुरुदेव भगवान की यात्रा में आवश्यकता तो है, लेकिन इससे मैं यात्रा में रहने के बाद गुरुदेव देश से जुड़े हुए बहुत सारे स्थानों पर नहीं पहुंच पाते थे और वो काम प्रभावित होता था। यात्रा में मेरी यह जिम्मेदारी लेने के पीछे मुख्य कारण बस इतना ही है कि गुरुदेव भगवान की भी देश को जरूरत है, गौ माता संबंधित कार्यों में भी गुरुदेव भगवान की खूब आवश्यकता है। वो वहां तक जा पाए, उस कार्य को भी कर पाए, इसलिए इस यात्रा का निर्णय लेने का या संभालने का निर्णय मैंने लिया है। और ये सब कुछ जो होगा वो गुरुदेव भगवान की कृपा से होगा। मेरा तो बस मात्र शरीर दिखने वाला है, बाकी तो सर्वत्र गुरुदेव भगवान की ही कृपा और उनका ही कार्य रहेगा। जी, इस यात्रा के माध्यम से आप देश भर में क्या संदेश देने जा रहे हैं? यात्रा के माध्यम से संदेश यही है कि गौ माता जी अनंत शक्तियों की दाता है और समस्त सुखों की दाता है। हम उन गाय माता जी के करीब जाएं, उनके संगति को प्राप्त करें और गाय माता जी की ऊर्जा को समझते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाएं। अपनी बुद्धि को सात्विकता की ओर ले जाने के लिए गाय माता एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। हमारी सोच है कि व्यक्ति गाय माता से जुड़ने के बाद निश्चित ही पूर्ण रूप से सात्विक हो जाएगा और एक समाज का व्यक्ति सात्विक होते ही पारिवारिक स्थिति से लेकर के विश्व तक की सभी स्थितियों में काफी सुधार होगा। सभी प्रकार से गौ माता की सेवा से लाभ ही लाभ है, पुनः देश उन्नत और श्रेष्ठ मार्ग पर निकल पड़ेगा। देश भर में आपके हजारों अनुयायी हैं, आप उन तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? उनको तो बस यही कहेंगे, अपने क्षेत्र में गौ माता जी के सेवा में जुड़े रहे, जहाँ पर भी जाए, जहाँ पर भी बैठे, मित्रगण हो, रिश्तेदार हो, दोस्त मित्र हो, उनके बीच में गौ माता जी के विषय को लेकर के चर्चा जरूर करें, ताकि निरंतर लोगों के मन में, विचारों में गाय माता विराजमान रहे। और एक बार अगर मन विचार में गौ माता आते हैं तो निश्चित ही वो घर में और हृदय में भी स्थान ले लेंगे। जी, कोई विशेष बात है जो आप गो भक्तों को बताना चाहें? गौ भक्तों के लिए बस इतना सा ही कहना चाहूंगी कि गौ माता जी की सेवा दिखावे के लिए न करके हृदय से, भाव से और श्रेष्ठ उनको पशु न समझ करके, जब भी हमारी गौ माता के प्रति कोई मन में विचार आता है तो वो भगवती है, एक महान तत्व है। इसी प्रकार के भाव के साथ हम गौ माता जी की सेवा में जुड़े रहे, निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करें। धन्यवाद दीदी।